हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही सुरेश झा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेश, जल्दी से क्विक अपडेट दे दीजिए, अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इसके अंदर जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उनको रिमांड पे लिया जाएगा, उनको फिर से ईडी मुख्यालय पे लेके जाएगा। ईडी मुख्यालय में जो सूत्रों से पता चला कि एक टीम बनाई गई है जो अरविंद केजरीवाल से पूरे मामले की पूछताछ करेगी, इस पूरे मामले के अंदर खंगाला जाएगा, जो जो सबूत ईडी को मिले उन तमाम सबूतों को उनके सामने पेश किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि करके की जो सबूत है इसमें जो इनका नाम आया है, जो लीकर की पॉलिसी बदली गई है, लीकर के पैसा जो आया गया था, आखिर सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे अहम जो बात है वो है कि आखिर जो पैसा आया था लीकर पॉलिसी के अंदर, जो रिश्वत का पैसा आया था, वो आखिर पैसा गया कहाँ, किसके जरिए गया, कहाँ गया गया, ये सबसे बड़ी बात है कि पैसा आखिर कहाँ गया, कहाँ लगाया गया था। सबसे ईडी यही खंगालना चाहती, धन शोधन का मामला है तो उसमें ही खंगाला जाएगा, आखिर वो पैसा गया कहाँ, जो सबसे अहम सवालात हैं जो ईडी उनसे करेगी। और कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस को उन्होंने इसमें शामिल किया। आपके पास अपडेट के लिए अरविंद जी, बार बार केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कि जो जितने भी इल्ज़ाम लगा दिए जाएं, ईडी की जो कार्रवाई है, जो सामने जब ये चीज़ें आएंगी तो वो साफ ही पाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में बंद हैं, उनको लेकर के ऐसे सबूत क्यों नहीं पेश करती है ईडी की टीम, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ भाई कसूरवार तो वो है। कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक, और ऐसे में बीजेपी को डर इस बात का है कि कोई उन्हें हरा सकता है, कोई आगे अपने रूप को अख्तियार कर सकता है, तो वो है आम आदमी पार्टी, वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए शिखा जी, ये इतने डरे हुए हैं और साथ चीज इतना पुख्ता है कि इस बात से अंदाजा लगाइए कि रात में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तत्काल सुप्रीम कोर्ट में इनके एडवोकेट गए और उन्होंने राहत की मांग की, और सुबह जब सुनवाई होनी थी उस समय ईडी ने अपने तरफ से आवेदन दाखिल किया, कैविएट, कि इनको सुनने के पहले हमें भी सुना जाए, और उसके बाद वहां से भागे। इन्होंने कहा कि हम याचिका वापस लेते हैं। ये दिखाता है कि ये डरे हुए हैं और ये जानते हैं कि इनके खिलाफ जो साक्ष्य है, इनके खिलाफ जो सबूत है, वो बहुत पुख्ता है, और सुप्रीम कोर्ट कोई विपरीत टिप्पणी कर देता है तो नीचे तर्क देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तत्काल याचिका वापस ली गई है, और अभी देखिए कोर्ट में गए हैं ना, ईडी के पास जो साक्ष्य है, एक दो नहीं 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की एक साल से बेल नहीं मिल पा रही है, तो क्या लगता है शिखा जी आपको, क्यों राजनीतिक कारणों से लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक एक वर्ष तक बेल देने से मना करेगा? इस बात का जवाब ईशान जी से ले लेते हैं। अरविंद जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, ये जायज सवाल है। ईशान जी, ऐसा क्यों लगता है कि कोई अगर भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है, कोर्ट में पेशी हो रही है, उसके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, तो ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा कैसे हो सकता है? देखिए, अभी हमारे मित्र सिंह साहब कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। देखिए, दहली भी तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सच्चा विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमारा विपक्ष इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन हर राज्य में, इनफैक्ट दिल्ली में भी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पता था कि वो सातों सीटों पे हारने वाली है, जिसका प्रमाण ये है कि उन्होंने छह सीटों पे उन्होंने टिकट भी अपने सिटिंग सांसदों को नहीं दी। दूसरी बात देखिए, देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। आप इसकी टाइमिंग देखिए, किस टाइमिंग के तहत ये किया गया है। सबसे पहले हमारे इंडिया अलायंस, हमारे गठबंधन के साथी हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी पिछले एक महीने से, आप ध्यान रखिएगा, पिछले 5 हफ्तों से कांग्रेस पार्टी अपने अकाउंट्स यूज नहीं कर पा रही है, उसको फ्रीज कर दिया गया है, और अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करने पे ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि आपने रश्मि रति की लाइनें तो पढ़ दी, लेकिन एक लाइन ये भी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो भ्रष्टाचार से पूरे देश की जनता को उबारने का जो अभियान लेकर के अरविंद केजरीवाल चले, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि सत्ता में, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, और नाश है जो ये विपत्ति और नाश है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इंडिया अलायंस के रूप में
वो छाने लगा है, इसलिए उनका विवेक मर रहा है। देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक आप देखिए, और ये कोई नई बात नहीं है देश को मुद्दों से भटकाने की। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आया जिसमें ये पकड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी साफ पकड़ी गई कि उसने 6000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ऐसे लोगों से लिए जिन पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, या फिर जिनको चंदा लेके धंधा देने का काम किया गया। जवाब दे दो, उनपे क्यों ईडी रेड हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए, बताइए। चलिए ठीक है अरविंद जी, आपसे जवाब ले, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर के मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी की टीम की तरफ से किया जा सकता है। जी अरविंद जी, देखिए शिखा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र रवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुना रहे थे कि सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, ये बात सही है, लेकिन सुरमा भ्रष्टाचार भी नहीं करते हैं और सुरमा भ्रष्टाचारियों को गले भी नहीं लगाते हैं। ये इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे, आप बताइए लालू प्रसाद यादव कोर्ट के द्वारा पनिष्ट है और उनकी पार्टी आरजेडी इंडिया गठबंधन इंडी गठबंधन की एक पार्टनर है, तो जो जिस गठबंधन में सजा याफ्ता व्यक्ति एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो भी उसका पार्टनर हो, आप उसकी शुचिता की अपेक्षा उनसे कैसे कर सकती हैं? दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उनके पार्टी के सर्वोच्च लीडर सोनिया गांधी से लेकर और राहुल गांधी तक भ्रष्टाचार में जमानत पर बाहर हैं और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता साक्ष्य है, तो इससे बड़ा और साक्ष्य क्या होना चाहिए? जो भ्रष्टाचारी हैं, जो जमानती हैं, जो अपने गठबंधन में कोर्ट के द्वारा सजा पाए व्यक्ति को भी शामिल करते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगी? जब एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी हुई है तो उसके ये उसके पक्ष में बोलेंगे कि गिरफ्तारी अच्छी है, मेरी बात ये ना माने तो अजय माकन के पिछले दिनों के बयान देख ले और संदीप जी का ये अपने पार्टी के बराबर समय मिलेगा, बराबर समय मिलेगा। मैं बहस से देखिए ईशान जी, ये मुद्दा अहम इसलिए है क्योंकि आज अगर कसूरवार अरविंद केजरीवाल ठहराए जाते हैं, अगर उनका कसूर है तो जरा सोचिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के मंच पर आए। फिर उन्होंने कहा 2 अक्टूबर का दिन चुना, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में उतरना पड़ेगा अगर इस कूड़े को साफ करना है तो, और फिर खुद के हाथ मैले कर लिए। पहले इस बारे में देखिए अरविंद जी, अभी पहले मैं उनको जवाब दे दूं, इन्होंने पूरा मोनोलॉग दिया 2 मिनट का, अब मेरे को अनइंटरप्टेड 2 मिनट का टाइम दीजिए। अभी अरविंद जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं, तो मैं बता दूं भ्रष्टाचारी को गले लगाने का काम भ्रष्टाचारी है या नहीं है, मैं क्या कोर्ट कह रही है अच्छा श्रोता जो होता है वो आगे जाता है। दूसरी बात देखिए, अरविंद जी ने बोला कि भ्रष्टाचारी को गले लगाते हैं, मैं बता देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर से और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के जो लोग साफ हो गए और आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल भी नहीं है। अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, हेमंत बिस्व शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी में के मुख्यमंत्री हैं आसाम में, वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं है, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी बुकलेट लेके घूमा करते थे। छगन भुजबल बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। नारायण राणे बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो देखिए भ्रष्टाचार का पाठ आप हमें मत पढ़ाइए, आप भ्रष्टाचार पे अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन आप लोकतंत्र पे लेकिन ईशान जी इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं ना कि भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल ने किया है, मनीष सिसोदिया ने किया है, संजय सिंह ने किया है, आप ये भी फिर कबूल कर रहे हैं ना? आपने ये तो बता दिया कि अजित पवार ने किया, आपने तमाम नाम गिना दिया, आपने वॉशिंग मशीन बता दिया, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई जो अरविंद केजरीवाल पर हो रही है वो भी सही है ना, ये भी तो मानते होंगे आप? नहीं, ईडी की एक कार्रवाई हो रही है, न्यायालय देखिए न्याय क्या होता है, न्याय एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, न्याय अगर जब तक देखिए जब तक अपराधी का अपराध प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उसको हम अपराधी नहीं बोल सकते। जी यही बात तो मैं कह रहा था, लालू प्रसाद जी का अपराध प्रूफ हो जाए ना,
लालू प्रसाद जी का अपराध तो सिद्ध हो गया है ना, उसके बाद भी इसका बेहतर जवाब तो आम आदमी पार्टी दे पाएगी। आप ही के तर्क के इनके तर्क के आधार पर ही मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू, और अगर निकले तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, इसके भी फेवर में पांच पांच कोर्ट ने कहा है कि वो अपराधी है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उसके बाद भी एक अपराधी को ये गले लगाते हैं, उनके साथ ये गठबंधन बनाए हुए हैं। आप बताइए शिखा जी, क्या इनसे आप अपेक्षा करेंगी कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगे? और दूसरा मैंने एक प्रश्न किया, इनके कार्यकाल के वरिष्ठ नेता चाहे वो संदीप दीक्षित हो या अजय माकन हो, उन लोगों का बयान उठा के देख लीजिए, उन लोगों का बयान है अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस खुद मांग करती रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए, जांच एजेंसियों को जांच करके अंदर करना चाहिए, मांग कर दे रहे हैं। तो आज आज जब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है तो आज आपको क्या हो गया है? आज आपको क्या हो गया है? आपके अजय माथुर जी का बयान सुन लीजिए, संदीप सहनी जी का सुन लीजिए, अपने प्रवक्ताओं का सुन लीजिए, एक स्वर में आप लोग कहते रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ने दारू घोटाला किया है। तो मेरी बात मत मानिए, अपने बात पर तो खड़े रहिए। चलिए ठीक है, अरविंद सिंह शर्मा लौटते हैं, जरा क्विक अपडेट ले लेते हैं सुरेश से। सुरेश इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुरेश, अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने अंदर कहा है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और देश की जनता के हित के लिए आज तक वो काम करते रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब ये कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है तो ईडी कहीं ना कहीं कोर्ट में सबूत पेश करेगी। अब ईडी को साबित करना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है कि नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके कहने से नहीं होता कि हर आरोपी यही कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया, लेकिन जो भी एजेंसी गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती है कोर्ट को बताना, कि कोर्ट सदस्य सर्वोच्च होता है, कि कोर्ट ही देखेगा कि वह आदमी गुनहगार है या नहीं है। ईडी को तय करना है, कोर्ट कहना, ईडी को बताना है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये गुनाह किया है, ये भ्रष्टाचार किया है, और कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश किए जाएंगे, उन सबूतों को कोर्ट देखेगी। आप देखिए कि कोर्ट के अंदर जो देवी न्याय की देवी है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ये देखिए, ये न्याय का सूचक होता है, यानी कोर्ट उन सबूतों को देखेगा, सबूतों को देखने के बाद वो तय करेगा कि ईडी आगे उनको क्या पूछताछ के रिमांड लेना चाहती है या रिमांड लेना नहीं चाहती। रिमांड लेना चाहती है तो रिमांड देने की वो क्या वजह क्या है वो कोर्ट तय करेगी, कोर्ट ही देखेगी सारा। लेकिन अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन तमाम सबूत जो सामने आए हैं वो सबूत छिक छिक के जो ईडी कहती है, ईडी के सूत्रों का जो कहना है, जो तमाम जो सबूत है वो यही कहते हैं कि लेकर पॉलिसी को आखिर बदलने की जरूरत क्या थी, आखिर अरविंद केजरीवाल ने लेकर पॉलिसी क्यों। ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है और अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। सुमित मेरे सहयोगी भी इस वक्त कनेक्टेड है मेरे साथ। सुमित, आगे की प्रोसेस में क्या कुछ होगा, ईडी की तरफ से रिमांड की मांग और उसके बाद फिर? शिखा, देखिए रिमांड एप्लीकेशन ईडी की ओर से मूव किया जाएगा, 10 दिनों की रिमांड जो है ईडी मांग सकती है, देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड जो है वो कोर्ट देगा। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल कोर्ट रूम में जो हालात है वो काफी हंगामे के आसार कोर्ट रूम के बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवर क्राउड जो है वो कोर्ट रूम हो गया है, जिसके बाद जज को ये बोलना पड़ा है कि भीड़ जो ज्यादा हो रही है, लोग कुछ लोग बाहर चले जाए कोर्ट रूम से। तो खबर ये भी है कि कुछ मीडिया पर्सन को भी बाहर कोर्ट रूम से बाहर जाने को कहा है, क्योंकि भीड़ इतनी काफी ज्यादा हो गई है कोर्ट रूम में, जिसके चलते जो हालात है वो कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एएसजी राजू जो है